आज मैं आपको दिखाऊंगा धौलगिरी पहाड़ और उसके साथ मैं बताऊंगा भगवान लिंगराज मंदिर के बारे में। हम लोग सबसे पहले धौलगिरी पर्वत पे चढ़ते हैं। धौलगिरी पहाड़ को कलिंग युद्ध का क्षेत्र माना जाता है। कुछ सालों बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। उन्होंने वहाँ कई जातियाँ, स्तूप और स्तंभों का निर्माण किया। पहाड़ के शीर्ष पर एक चमकदार सफ़ेद शांति शिवालय 1970 के दशक में जापान बुद्ध संध्या और कलिंग निपन्न बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया था। कलिंग युद्ध का इतिहास हिस्ट्री ऑफ कलिंगा वॉर इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो पूरे विश्व में इतनी खून खराबी नहीं हुई थी जितना इस युद्ध में हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मभान के बीच में 262 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ हुई थी, जो उड़ीसा राज्य में यही तोक के इस युद्ध में दया नदी का बहुत बड़ी भूमिका है। दया नदी लड़ाई के बाद मृतकों के खून से लाल हो गया था और अशोक को युद्ध के साथ जुड़े आतंक की भयावह एक एहसास करने का सक्षम हुआ। यह मंदिर सिर्फ और सिर्फ शांति का प्रतीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध का तो नाम आपने सुना ही होगा और यहाँ पर इसमें गौतम बुद्ध जी विराजमान है। यहाँ पर जब गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना हुई थी तो चारों ओर शांति का माहौल था। यहाँ आप ऊपर में, यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है पर्वत शिखर के ऊपर, जिससे आप यहाँ से पूरी भुवनेश्वर का दृश्य देख सकते हैं और आपको यहाँ से अशोका का घर भी दिखेगा जहाँ पर कलिंग का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यह मंदिर गोल नुमा बनाया गया है। यह मंदिर शांति का प्रतीक है, इसलिए इस पर सफ़ेद रंग है। यहाँ आप मोबाइल ले जा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने जूते नीचे सीढ़ी पर उतार देना है। इस मंदिर के चारों तरफ कुछ दुकानें हैं, अगर आप खाने या पीने की कुछ चीज़ें लाते हैं तो आप नीचे से ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो दृश्य आपको, यह वही दया नदी है जो लड़ाई के बाद सैनिकों और मृतकों के खून से पूरी लाल हो गई थी और यह वही क्षेत्र है जहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था। यहाँ पर जगह जगह पर शेर बने हुए हैं जो माठ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और शांति का प्रतीक दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना रास्ता दूसरे इसके बाद हम लोगों ने अपना यात्रा श्री लिंगराज मंदिर की ओर किया, जो भगवान शिव शंकर का यानी कि महाकाल का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और काफ़ी प्राचीन भी है। इस मंदिर के अंदर आप फ़ोन और कैमरा या फिर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या फिर अपने जूते नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस मंदिर की तस्वीर आपको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे का रास्ता बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ गार्डन है और इस हरियाली के बीच में महाकाल की एक बहुत अच्छी प्रतिमा अंदर देखने को मिलेगी। राज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अगर आप भगवान शिव यानी कि महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हैं तो आप यहां ज़रूर आएं और इस मंदिर और इसके अंदर की चीज़ों को अवश्य देखें, क्योंकि यह 12वीं शताब्दी में बनाई गई एक बहुत अच्छी मंदिर है। इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी किया जाता है। यहाँ पर आपको बाहर में गणेश जी और उसके साथ दो बाघ देखने को मिलेंगे, एक सूखी हुई बेल के पेड़ के पास। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लिंगराज मंदिर का एंट्रांस है और इस मंदिर के पास ही आपको मोबाइल फ़ोन और जूते रखने की सुविधा है, जिसके लिए आपको 10 रुपये पेमेंट करना पड़ता है और अपने
जूते और फोन को वहीं रख दिया जाता है। हमारी सारी पूरी दिन की ट्रिप जो कि पूरी मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर, धौलगिरी मंदिर और लिंगराज मंदिर का एक ही दिन का था। हम लोगों का प्राइस लगभग कार का 2000 रुपीज़। इसी के साथ उड़ीसा का टूर हमारा समाप्त होता है।